राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? चिंचल और धवल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात है। टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सिदाका, फॉरहंस, ग्ली, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते हैं राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी। एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी माँ को। मेरी दादी माँ की उम्र है 75 साल। मैंने कहा दादी माँ तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था, तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों, जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमरीका, और अमरीका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते हैं। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है। दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है, ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, क्यों, क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पर नहीं लिखती कि ये टूथपेस्ट कैसे बनाया। और ये भी जान लीजिए किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को ISI मार्क नहीं है। कॉलगेट को ISI मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को ISI मार्क नहीं, क्लोजअप को ISI मार्क नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट है। क्यों है ये रद्दी, ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं रोज सवेरे ही सवेरे उठ के मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है? और ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन, माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट में। क्यों डालते हैं, झाग बनाने के लिए। हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट। तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता है। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा, एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या? ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहां है? बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन।